इस समय मैं लेके आ गया हूँ आपको लखनऊ के इकाना स्टेडियम में, जो पहली बार अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच की मेज़बानी करने जा रहा है। भारत वेस्ट इंडीज के बीच में पहला मैच T20 होना है 6 नवंबर को। बेहद खास होगा ये मैच। इकाना स्टेडियम अब बनके तैयार हो चुका है अंतर्राष्ट्रीय मैच के लिए। तो ये एक बेहद खूबसूरत स्टेडियम है, इसको देखकर ऐसा लगता है कि आप शायद किसी विदेशी स्टेडियम या एक बड़े स्टेडियम या बड़े एक महानगर के स्टेडियम में, जैसे चेन्नई, महाराष्ट्र या कोलकाता ईडन गार्डन, ऐसे स्टेडियम में खड़े हो जाते हैं तो आपको लगता है कि बेहद खूबसूरत स्टेडियम बना हुआ है। तो ये एक पहचान बनाने जा रहा है लखनऊ वासियों के लिए, भी गर्व की बात होगी कि अंतर्राष्ट्रीय मैच यहाँ पर होने जा रहा है। बेहद खूबसूरत स्टेडियम बनके तैयार हो चुका है। अब देखने वाली बात ये होगी कि 6 नवंबर को जब मैच होगा तो भारत और वेस्ट इंडीज के बीच T20 मैच होगा, तो लखनऊ वासियों के लिए एक बेहद खूबसूरत सौगात के रूप में ये T20 मैच, अंतर्राष्ट्रीय मैच मिलने जा रहा है। कैमरामैन सुजीत के राणा के साथ मैं रामबाबू, टीवी इंडिया लाइव लखनऊ से। हमारे साथ बात करने के लिए है योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री, खेल मंत्री हैं योगी सरकार में, चेतन चौहान जी। चेतन चौहान जी से जानते हैं कि जो 6 नवंबर को इकाना स्टेडियम में भारत और वेस्ट इंडीज के बीच 2020 मैच होने जा रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे और कैसे उसको देखते हैं। सर, कैसे इस मैच को आप देखते हैं? पूर्व क्रिकेटर रहे हैं, दिग्गज क्रिकेटर रहे हैं, कैसे आप उसको देखते हैं? लखनऊ में एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का स्टेडियम बना है, नया स्टेडियम है वो, और काफ़ी अच्छी क्षमता है, लगभग 45-50 हज़ार की क्षमता है उसकी। और यहाँ पर 6 नवंबर को इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ 2020 का मैच होने जा रहा है। लगभग 26 साल के बाद अंतर्राष्ट्रीय मैच लखनऊ में होगा, तो लखनऊ वासियों को एक अच्छा मौका मिलेगा अंतर्राष्ट्रीय मैच देखने का और आनंद उठाने का। पहले लखनऊ वासी जो क्रिकेट के प्रेमी थे वो कानपुर जाते थे और कानपुर में जाकर मैच देखते थे, अब उनको अपने ही घर में एक अच्छी सौगात मिली है और अब लखनऊ में ही अब वो मैच देख पाएंगे अंतर्राष्ट्रीय, और मैच का, क्रिकेट का आनंद। सर, इकाना स्टेडियम में जो 2020 मैच होने जा रहा है, क्या अब इसके बाद वनडे, टेस्ट, ऐसे भी मैच का आयोजन उत्तर प्रदेश सरकार या स्टेडियम इकाना स्टेडियम में होने वाले हैं, क्या कहेंगे? क्योंकि मैं परंपरावादी हूँ और परंपरा में मैं विश्वास करता हूँ, इतिहास में विश्वास करता हूँ। जो कानपुर में जो स्टेडियम है, मैं समझता हूँ कि वो पुराना स्टेडियम है और वहीं पर शुरू से ही जो है मैच होते रहे हैं, तो मैं ये चाहूँगा कि वो विकल्प हमने नहीं छोड़ना चाहिए और अधिकतर सारे मैच जो हैं हम लोगों के वहीं पर ही होने चाहिए। लेकिन साथ में विकल्प एक है कि लखनऊ में भी मैच हो जाए, लेकिन मैं चाहूँगा कि जो अंतर्राष्ट्रीय मैचेस हैं वो कानपुर में ही हो। 2020 या दूसरे मैचेस जो हैं, या IPL के भी मैच, कुछ मैच यहाँ भी हो जाएं, तो अब वह उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के पास विकल्प है, या तो वो कानपुर में मैच करा सकते हैं या फिर लखनऊ में मैच करा सकते हैं, ये विकल्प जो है उनके पास है। और सुविधा मैं कहूँगा कि जो कानपुर में सुविधा है वैसी सुविधा जो है वो यहाँ पर भी हैं। मैं कहूँगा कि लगभग बराबर ही सुविधा हैं, क्योंकि जो कानपुर का हमारा जो स्टेडियम है उसको हमने काफ़ी रेनोवेट कर दिया है, ड्रेसिंग रूम वहाँ नए बन गए हैं, वहाँ पे जिम बन गया है और स्टैंड जो हैं वो भी बन गए हैं। तो मैं कहूँगा कि ग्रीन पार्क स्टेडियम जो है वो भी काफ़ी अच्छा हो गया है, मॉडर्न हो गया है, सुविधाएं जो है वो भी मॉडर्न हो गई हैं। तो अब उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन और उत्तर प्रदेश सरकार के पास विकल्प है, जो भी मैचेस हैं, अंतर्राष्ट्रीय मैच हैं, उनको हम लोग ग्रीन पार्क में भी करा सकते हैं और इकाना स्टेडियम में भी करा सकते हैं। सर, योगी सरकार में आप खेल मंत्री हैं,
तो उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए क्या सुविधाएं अभी तक आप मंत्री बनने के बाद दे सके हैं और आगे इनको और अधिक जो है लाभ मिले, अधिक से अधिक खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्तर प्रदेश से खेलने के लिए जा सके, इसके लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है? देखिए, जब तक जब से सरकार आई है माननीय योगी आदित्यनाथ जी की, खेल को हमने महत्व दिया है और खेल को हमने प्राथमिकता दी है, खेल को हम बढ़ावा दे रहे हैं और खेल को हम बड़े बड़े शहरों तक सीमित नहीं देखना चाहते हैं। हम खेलों को बड़े शहरों में के साथ साथ छोटे गांव तक भी हम लोग खेलों को लेके जाना चाहते हैं। जो सबसे बड़ी समस्या खिलाड़ियों के लिए उत्तर प्रदेश के होती थी वो थी उनको रोज़गार नहीं मिलता था, उनको नौकरियाँ नहीं मिलती थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 11 सरकारी विभागों में नौकरियाँ खोल दी हैं खिलाड़ियों के लिए। अब हमारे जो खिलाड़ी उत्तर प्रदेश छोड़कर बाहर चले गए थे, जिनको यहाँ पर रोज़गार नहीं मिलता था, नौकरी नहीं मिलती थी, अब उनको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो अब 11 विभागों में हम क्लास 2 तक की नौकरी देंगे। अभी हाल में जो एशियन गेम्स में, कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीत कर आए हैं खिलाड़ी, लगभग 12 मेडल जीते हैं हमने एशियन गेम्स में और 7 मेडल जीते हैं हम लोगों ने कॉमनवेल्थ गेम्स में, इन सबको हम लोग जो है नौकरियां देंगे उत्तर प्रदेश में। साथ में ये भी हो गया है कि अब हमने जब रिटायर हो जाते हैं खेल से, थोड़ी सी उम्र बढ़ जाती है और जब खिलाड़ी रिटायर होते हैं खेल से, तो हमने अप टू 20,000 रुपये प्रति माह तक की पेंशन की भी व्यवस्था कर दी है। तो नौकरी भी मिल जाएगी खिलाड़ियों को, अंतर्राष्ट्रीय जो खिलाड़ी हैं, मेडल जीते हुए लोग हैं, जिनको द्रोणाचार्य अवार्ड मिला हुआ है या अर्जुन पुरस्कार मिला है, तो उनको नौकरियाँ भी मिल जाएंगी, उनको पेंशन भी मिल जाएगी।